मेरी क्लास में एक आकांक्षा दुबे पढ़ती थी, उसने मुझे बताया कि जय महादेव विद्याकुल में आप ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है, इसको आप ज्वाइन करें जिससे कि जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके स्कूल की बच्ची ने लगातार इतिहास दोहराया, आप लोगों ने 4 सालों से आपने जिद ठान ली है कि हमें टॉपर्स देना ही है, वो भी अपने स्कूल से? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, बराबर हम आप लोगों के चैनल के टच में रहे जय महादेव विद्याकुल से जी, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो बच्चों को हमारे यहाँ ऑफलाइन में डाउट्स होते थे तो घर जाकर ऑनलाइन क्लासेस की जो है। हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत करता हूँ मैं साहिर कमाल एक बार फिर से आप सभी के यूपी के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। जी हाँ, एक बार फिर से हम टॉपर के लिस्ट में, टॉपर मतलब रैंक 5 पर एक बार फिर से हम आए हैं। जो हमारे सामने बैठी हुई हैं संजना देवी जी, ये पता नहीं क्यों मन में एक लड्डू फूट रहे हैं एक के बाद एक, मतलब खुशी के ठिकाने नहीं हैं कि हम हर एक टॉपर के घर जा रहे हैं। टॉपर बनना कितना मुश्किल काम होता है हम एहसास कर सकते हैं, क्योंकि 27-28 लाख बच्चों में, 29 लाख बच्चों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रैंक लाना ये बहुत 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 बड़ी उपलब्धि होती है। और इस उपलब्धि में रात दिन सुबह शाम कुछ नहीं देखा जाता, ये तो हम अपनी ज़बान से कह रहे हैं। लेकिन संजना देवी जो कि रैंक होल्डर हैं, 5th रैंक है पूरे स्टेट में वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में, और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की हैं ये, जानेंगे हम कि उन्होंने आखिर ये 5वीं रैंक कितनी कड़ी मेहनत से कमाई, कितनी कड़ी मेहनत से ये 5वीं रैंक उनको आई। साथ में बैठे हैं उनके मौसा जी हमारे जस्ट बगल में, मिस्टर राम सजीवन जी, उनके जस्ट बगल में स्कूल के ही वाइस प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, उनके जस्ट बगल में हमारे संजना देवी जी के पिताजी बैठे हुए हैं। पिताजी अगर हम बात करें तो ये वो पिताजी हैं जो एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं, लेकिन बच्ची ने वो काम किया है जो आज यूपी का हर एक बच्चा और लाखों बच्चा, हर एक परिवार आज इस नाम से जो है परिचित हो गया है। कितनी बड़ी सफलता है हम पिता से भी पूछेंगे, क्या उनको कभी एहसास हुआ, क्या उन्होंने कभी अंदेशा था उनको, क्या कभी उम्मीद करी थी कि मेरी बच्ची पूरे स्टेट में 5वीं रैंक हासिल करेगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक हासिल करेगी, क्या कभी उन्होंने सोचा था? चलिए सुनते हैं सफलता की कहानी अपनी संजना देवी की ज़ुबानी। तो संजना बेटा आप अपना इंट्रो पूरा बता दें। मेरा नाम संजना है और मेरे पिताजी का नाम श्री दुर्गा प्रसाद और मेरी माताजी का नाम श्रीमती सीमा देवी है। मैंने इंटर में 5वीं रैंक हासिल की है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसमें मेरे शिक्षक जनों और प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम और मेरे माता पिता और कई लोगों का हाथ है, जिस इन लोगों की इस प्रेरणा की वजह से मैं आज इस उपलब्धि को प्राप्त कर चुकी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चे जो स्कूल में पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करें और जो NCERTs हैं उनको फॉलो करें। और उसके बाद मेरी क्लास में एक आकांक्षा दुबे पढ़ती थी, उसने मुझे बताया कि जय महादेव विद्याकुल में आप ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है, इसको आप ज्वाइन करें जिससे कि जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। अच्छा, आकांक्षा वो जो टॉपर 5th रैंक वाली है उन्होंने ही जी, तो आकांक्षा भी इसी स्कूल से हैं, देख रहे हैं एक ही स्कूल में दूसरी टॉपर के पास हम बैठे हुए हैं। ये उस प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, वहाँ के शिक्षकों के लिए भी और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक ही स्कूल से दूसरा टॉपर और उसी रैंक पर एक बच्चा रिकमेंड करता है और दूसरा बच्चा उसको कैच करता है, तो आप देख पा रहे हैं जी। कंटिन्यू। मैंने फिर जय महादेव विद्याकुल को ज्वाइन किया और फिर इसमें जो मुझे डाउट्स होते थे मैं उनको क्लियर करती थी और क्लियर करके वहाँ के टीचरों ने भी काफ़ी सहयोग किया। खास तौर से अगर हम बात करें फिजिक्स के मुकेश त्रिपाठी सर, बड़े ही जो कि फेमस रहे हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा सराहना हम अपने प्रिंसिपल साहब से भी सुन चुके हैं, प्रबंधक महोदय से भी सुन चुके हैं। तो अब बाकी की चर्चा हम आगे इनके पिताजी से जो कि वाइस प्रिंसिपल सर के बगल में बैठे हुए हैं उन तक पहुंचेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं अपनी इस बच्ची की सफलता पर। जैसा कि आपकी बच्ची ने स्टेट में 5वां रैंक हासिल किया है, ये बहुत गर्व की बात है
और हमारे लिए स्वभाव की बात है कि हम लोग तो सिर्फ एक जरिया मात्र हैं। ये बच्ची के आज एक कठिन परिश्रम दिन रात का लगन है जो आज इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है और ये बच्ची ने कैसे पढ़ाई करी, क्या करती थी बच्ची और आप इसका कैसे सपोर्ट करते थे? मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे स्कूल से मिला है, जो टीचरों ने बहुत अच्छे ढंग से दिया है कि हमारे पढ़ाई के मामले में, और सभी चीज़ें टीचर बहुत गाइड करते थे बच्ची को। नहीं अच्छा, जो बच्ची पढ़ने में अच्छी होती है तो उसके लिए टीचर बहुत मेहनत करते हैं। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़ाई के मामले में लीजिए घरेलू, मैं तो सुबह 6:30 बजे अपनी नौकरी निकल जाता हूँ, प्राइवेट है, और उसमें रात को 8:30 बजे आता हूँ, और घर पर मुश्किल से 2.5 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा बच्ची नहीं सोती थी, रात में बराबर पढ़ती थी। तो इसी की अगली कड़ी में अब हमारे बीच वाइस प्रिंसिपल सर हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके स्कूल की बच्ची ने लगातार इतिहास दोहराया, आप लोगों ने 4 सालों से आपने जिद ठान ली है कि हमें टॉपर्स देना ही है, वो भी अपने स्कूल से, और हम लोग जब भी आपके संपर्क में रहते तो हमें बहुत गर्व लगता है, बहुत सम्मान की बात है कि आप जो है हम लोगों से जुड़े हैं, हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है अभी आपको? जी पहले तो रूपेंद्र कुमार नाम है मेरा, मैं इस विद्यालय का वाइस प्रिंसिपल हूँ जी, साथ में इंग्लिश लेक्चरर भी हूँ जी, और कई रिस्पांसिबिलिटीज होती है मेरे सामने, हर बोर्ड के बच्चों को गाइड करना, देर तक एक्स्ट्रा क्लासेस देना। तो जहाँ तक स्टडी का सवाल है, बच्चे हमारे बताए निर्देशों के अनुसार स्टडी किए और जैसे हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिए उन्हें फॉलो किए, और साथ में उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट किए, इन सर्कमस्टेंसेस को समझने के बाद उनको फॉलो करवाना, ये बहुत बड़ा भाई पेरेंट्स का भी योगदान। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में जो तहत उनको सॉल्व आउट करते थे, और आपके इस प्लेटफार्म से हमारे बच्चों को काफ़ी सहायता मिली। जय महादेव विद्या कुल, ये आपका बहुत बड़प्पन है, ये सिर्फ आपकी मेहनत का हमें लगता है, ये जितना हम सच है कि हम डाउट्स को क्लियर करने में भरपूर कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बच्चे के पास टीचर हर गांव में तो नहीं पहुंच सकता, घर पे तो नहीं पहुंच सकता रात 8 बजे, लेकिन हम रात 12 बजे ज़रूर पढ़ा सकते हैं अपने घर पे स्टूडियो लगाकर। साथ में भाई ये डाउट्स क्लियर होते गए ऑनलाइन माध्यम से, हमारे यहाँ ये भी होती है जब भी बच्चा कभी 11 बजे 12 बजे फ़ोन करता है टीचर्स को, तो हम लोग भी वो अवेलेबिलिटी देते हैं, ये हमारे यहाँ सुविधा है। तो हमारे जस्ट बगल में मौसा जी बैठे हुए हैं, इनसे भी सुन लेते हैं कि इन्होंने अपनी बच्ची को जब पढ़ते हुए देखा तो क्या ये उम्मीद लगाई थी कि अगली बार ये 2023 की बोर्ड परीक्षा में रैंक हासिल करेगी? जी मौसा जी। जी मुझे ये सुनकर अपार खुशी हुई जी कि मेरी बेटी ने आज जो भारत नहीं बल्कि विश्व में ऐसे देश हैं, जितना बड़ा ये प्रदेश है उतने इतने बड़े देश हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, और ऐसे प्रदेश की टॉपर लड़की हुई है, मुझे अपार खुशी की बात है। बिल्कुल इतने लोगों के बीच ये यही बात है, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ आए और हमारी बेटी का इंटरव्यू लिया, ये लाखों लाखों लोगों तक संदेशा पहुँचाया, इस बात की हमें अपार खुशी हो रही है। बहुत धन्यवाद, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इस बार हम आपकी बेटी के यहाँ हैं, अगली बार आपके यहाँ आएंगे, ये आप अहद कर लें, डिटरमाइंड हो जाएं कि अगली बार हम सभी पूरी टीम आप वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में जब बैठने जा रहे हैं तो आपके घर अगला विजिट हो हमारा। तो इस बार तो हम संजना के यहाँ आए। अब संजना से हम आखिरी सवाल कि आखिर बच्चा आप इन फ्यूचर क्या बनना पसंद करेंगी, आपका क्या एम है और कैसे अपने जूनियर्स को, आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को आगे लाइफ में पढ़ने के लिए किस तरीके से पढ़ने की प्रेरणा देना चाहेंगी? 2 शब्द। मैं आगे IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और आगे बच्चों को ये प्रेरणा देती हूँ कि आप रेगुलरिटी से पढ़ें, कोई भी दिन आपका ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि हाँ आज हम थक गए हैं तो नहीं पढ़ेंगे, रेगुलरिटी ज़रूरी है। देख पा रहे हैं कि हर एक टॉपर के बच्चे की जो ज़बान होती है, जो उसके शब्द होते हैं, वो समान होते हैं,
क्यों होते हैं पता है, क्योंकि टॉपर कोई मंगल ग्रह से नहीं आते, टॉपर आप ही में से निकलते हैं। केवल इतना यह है कि शिक्षक के बताए रास्ते पर टॉपर चलते हैं और अपने काम को समय पर करते हैं, क्योंकि हर काम को समय समय पर कर देने पर वो काम छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब, ये कहावत कही जाती है। तो इस बात को आप सभी लोग समझें और हमारी इस बच्ची जो कि टॉपर है, आप सभी लोग इनसे एक इंस्पिरेशन लें, मोटिवेशन लें और निश्चित तौर पर वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में हम आपके घर बैठे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि इस इंटरव्यू को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।